हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर आप डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ टेस्ट कल टेलीग्राम ग्रुप टेस्ट पे जैसी डेमो टेस्ट थी टेस्ट सीरीज का उसका जब आप सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अपनी टेस्ट सीरीज भी चालू हो चुकी थी 17 तारीख को। ठीक है, तो उसके अंदर भी आप जिन्हें भी क्वेश्चन आप दया करेंगे उन्होंने सब सॉल्यूशन दया करेंगे ताकि तुम्हें कॉन्सेप्चुअली सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ सके। ठीक है, सब तो पहला देखो क्वेश्चन की है द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव ऑर्बिट ऑफ एटम्स इज। ठीक है, देखो अपने बोहर्स थ्योरी पढ़ देंगे। ठीक है, अटोमिक स्ट्रक्चर टॉपिक बोहर्स थ्योरी। ठीक है, जो कल मैं टेस्ट दिता जी तुम्हें वह कह अटोमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल एंड कैमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, अच्छ मैं पीरियोडिक टेबल अपने अटोमिक स्ट्रक्चर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करा। ठीक है, बोहर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग तुम्हें एक स्टेटमेंट पढ़ी होनी जो अपने को एंगुलर मोमेंटम होंगे एमवीआर वह इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसका एच ओवर टू पाई का। ठीक है, कि सबको याद से वाला पोस्टुलेट जिसनों ये याद से। ठीक है, फिजिक्स लिए भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। ठीक है, पोस्टुलेट की होंगे क्या एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर टू पाई। ठीक है, मतलब जो एंगुलर मोमेंटम होंगे होंगेगा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे किसका एच ओवर टू पाई का। ठीक है, और एन की हो सकता है वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन मैं ईजी क्वेश्चन कहूँगा सब का सही हो जाना चाहिए सी। ठीक है, सैकेंड क्वेश्चन बहुत ही वधिया क्वालिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कर पाते। ठीक है, हूँ और अपने पोटेंशियल एनर्जी देती तो अपने तो पूछ लिया किड़े। ठीक है, कि एक्साइटेड स्टेट हैगी। ठीक है, एन की वैल्यू पूछ ली इनडायरैक्टली अपन को। ठीक है, एन की वैल्यू पूछ ली हूँ देखा जाए तो अपन को। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तीन चीज़ा पढ़ा हूँ मैं जो तो अपन बहुत मोटर होंगे। एक होंगे काइनेटिक एनर्जी, एक होंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो एक होंगे टोटल एनर्जी। ठीक है, इन्हें तिना एनर्जी का रेशो की होंगे गा काइनेटिक वन इज टू माइनस टू इज टू माइनस वन की सबनों ये गल पता हैगी। बिल्कुल सही गल है। हूँ जी अपने को पोटेंशियल एनर्जी अपन को दी है माइनस 12.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब जी टोटल एनर्जी है वह कि आ जाएगी माइनस 12.08 डिवाइड बाय टू। ठीक है, डैट इज माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गल सबू क्लीयर हैगी। हूँ देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला की होंगे गा। ठीक है, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी की होंगी हैगी माइनस 13.6 इंटू जेड स्केयर ओवर एन स्केयर इज इक्वल टू। ठीक है, टोटल एनर्जी कितनी अपने को माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हूँ अपन को एटम दिता है हीलियम। ठीक है, हीलियम लिए अटोमिक नंबर जेड की वैल्यू कितनी होंगी हैगी टू होंगी है तो आप टू पुट करेंगे तो अपने को माइनस 13.6 इंटू टू का स्केयर मतलब फोर। ठीक है, ए वाली चीज़ आके डिवाइड हो जाएगी माइनस 6.04 इज इक्वल टू एन स्केयर। ठीक है, इसमें सॉल्व कर लियो ये तो आ जाएगा 9। ठीक है ना, इसमें सॉल्व करके कितना आ जाएगा 9 तो और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो तुम टिक करके आना है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो थोड़ा की हो जाना सी आंसर गलत। ठीक है, क्यों गलत हो जाना सीगा देखो जो तो उसने एक्साइटेड स्टेट पूछ लिया तो आप घटा के दसना होंगे गा तो एन कि आ जाएगा 2। मतलब जो आप गल करिए फस्ट एक्साइटेड स्टेट की, फस्ट एक्साइटेड स्टेट का की मतलब होंगे गा। ठीक है, फस्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब यही कि एन इज इक्वल टू 1 है। फस्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होंगे एन इज इक्वल टू। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होंगे एन इज इक्वल टू 2। ठीक है, सैकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होएगा, सैकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होएगा एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, आई थिंक सबनों हम कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया होगा। इस करके जो अपने को एन इज इक्वल टू 3 आया इसका मतलब की है सैकंड एक्साइटेड स्टेट है तो इसका करैक्ट आंसर की बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सब ने सही किया होना मैंने उम्मीद है। थोड़ा जहाँ अच्छा क्वेश्चन है बट इस अपने तीन चार कॉन्सैप्ट क्लीयर हो। एक तो अपन यही पता लगे काइनेटिक एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी का रेशियो होंगे जो 1 इज टू माइनस 2 इज टू माइनस 1 होंगे इन केस ऑफ बोहर्स मॉडल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़े मेरिटोरियस लैक्चरर के एग्जाम च आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आएगा मतलब उसकी वैल्यू अलग सी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैगनेटिक रेडिएशन की जी एनर्जी का फॉर्मूला होंगे वह कहता है इज इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। ठीक है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तब एच की वैल्यू कितनी होगी 6.64 इंटू 10^-34। सी की वैल्यू होंगी 3 इंटू 10^8 मीटर के अंदर। ठीक है, 242 नैनोमीटर। ठीक है, 242 नैनोमीटर मतलब इंटू 10^-9 के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आंसर थोड़ा फाइनली किस आ जाएगा जूल पर एटम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सॉल्व कर लियो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मेरे को सोल्यूशन है इसका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बन जाएगा थोड़ा। क्लीयर है सबनों? ठीक है, ए वाला शब्द हो जाना चाहिए सी। ये भी एक ईजी क्वेश्चन सगा मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सगा बट थोड़ी क्लैरिटी आनी चाहिए कॉन्सैप्ट।
ठीक है। चौथा 49 नंबर क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ सेकेंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोहर एटम इज आर, ठीक है, द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी। देखो रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा अपने को बोहर ऑर्बिट के अंदर, 0.529 इनटू एन स्क्वायर ओवर जेड, ठीक है। हुन तो हमें कितने का द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट मतलब एन इज इक्वल टू टू, ठीक है, इज ठीक आर थर्ड ऑर्बिट का पूछेगा, मतलब पूछा किसने का एन थ्री का दिता किसने अपन एन टू का, ठीक है। आप देखिए था स्क्वेयर्स ने मतलब एन थ्री का स्क्वेयर डिवाइड बाय ठीक है एन टू का स्क्वेयर, मतलब थ्री का स्क्वेयर कितना देगा नाइन, ठीक है, टू का स्क्वेयर कितना देगा फोर, ठीक है, वैल्यू की नीति है अपन आर, क्लियर है सब नू, तो आंसर कि आ जाएगा इसका नाइन आर बाय फोर, ठीक है ना। ये सिंपल क्वेश्चन सीगा बट तुम्हें पता होना चाहिए रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। बोहर मॉडल के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होंगे ने, एक तो एनर्जी का फॉर्मूला जरूरी होंगे गा, एनर्जी की होंगी है माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर ओवर एन स्क्वेयर, ठीक है। वेलोसिटी का की फॉर्मूला होंगे 2.18 इंटू 10^8 सेंटीमीटर पर सेकेंड इंटू जेड ओवर एन, ठीक है। रेडियस का फॉर्मूला ये लिखी रखेगा, ठीक है। एक इसके अंदर होंगे एंगस्ट्रॉम के अंदर होंगे, ठीक है, एंगस्ट्रॉम के अंदर होंगे, क्लियर सब नू, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन ने बट सब नू आने जरूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा क्वांटम नंबर तो, ठीक है, क्वांटम नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट ने, ठीक है। हूँ पूछ रहेगा फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, एनर्जी सब शेल से किस ऑर्डर की होगी, तो हमें पता है न्यूक्लियस है मेरे को, न्यूक्लियस सब तो कौन होंगे एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। जदों जदों आप न्यूक्लियस तो दूर जाई आवेंगे तक होगा अट्रैक्शन डिक्रीज होएगा, मतलब सपोज उरे इलेक्ट्रॉन पेगा फिर एक इलेक्ट्रॉन उरे पेगा, अट्रैक्शन किस तरह लगेगा जोड़ा एस के अंदर पेगा, ठीक है। तो एस वाले अंदर की लगेगा ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, जो अट्रैक्शन लगता होंगे तो एनर्जी की होंगी डिक्रीज हो जाती है, मतलब सब तो ज्यादा एनर्जी किसती हुई एफ वाले की, फिर डी वाले की, फिर पी वाले की, फिर एस वाले, ठीक है। एक ही हो गया अपने को एनर्जी का ऑर्डर हो गया, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है सबनों, सबनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 51 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर एन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला क्या होगा इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, ठीक है, मतलब थ्री का स्क्वेयर इज इक्वल टू नाइन, बट अपन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है, ठीक है, एन इज इक्वल टू थ्री ली, ठीक है, एल की कड़ी कड़ी वैल्यूज पॉसिबल होंगे ने जीरो वन टू, सब नू पता ना है एन दी लिखी, ठीक है, एन इज इक्वल टू थ्री ली, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ली, एल की कड़ी कड़ी वैल्यूज पॉसिबल होंगे ने जीरो वन टू, जीरो का की मतलब हो गया एस सब शैल, वन का की मतलब हो गया पी सब शैल, टू का मतलब क्या हो गया डी सब शैल, मतलब केड़ी केड़ी पॉसिबल हो गया 3s 3p ते 3d, बिल्कुल सही है ना। तो 3s नु अपन इस तरह शो करांगे, 3p नु किस तरह शो करांगे इस तरह, ते 3d नु किस तरह शो करांगे इस तरह, ठीक है। ये हो गया अपने को 3s, ये हो गया 3p, ते ये हो गया 3d, ते टोटल ऑर्बिटल्स काउंट कर लो कितने हो जाएंगे, टोटल ऑर्बिटल्स 9 ही हो जाएंगे, ठीक है। ये तो एग्जैक्ट मेथड दसदा हूं मैं, ठीक है, जो मैथड है एग्जैक्ट मैथड है, बट अपने की यूज करना है डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। हम सैकेंड क्वेश्चन उरी देखो, ठीक है, किस तरह बन सकता है, जो तो आपने पूछा जाता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर एन इज इक्वल टू थ्री। हम देखो इसलिए की करना है, पहले ऑर्बिटल्स कर लो, ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने आ सकते हैं नाइन, ठीक है, तो उस तो बाद एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं दो, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं 18, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं 18, या तुसी सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का की फॉर्मूला होएगा 2n स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट इज 18, क्लियर है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ऑर्डरली होमवर्क है, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फॉर n इज इक्वल टू 5, ठीक है, देखते हैं कौन इसनों सही कर पाएगा, मतलब थोड़ी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अगे पूछ रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट, ठीक है, एन इज इक्वल टू फोर ली, एल इज इक्वल टू वन भी पॉसिबल है, वन भी पॉसिबल है, टू भी पॉसिबल है, एन इज इक्वल टू थ्री ली, ठीक है ना, एल इज इक्वल टू फोर पॉसिबल नहीं हैगा, ठीक है, एन इज इक्वल टू फोर ली, एल इज इक्वल टू वन, ठीक है, एन इज इक्वल टू फोर ली, एल इज इक्वल टू वन पॉसिबल है, बट जी अपने को एम की वैल्यू होंगी है वो माइनस एल टू प्लस एल होंगी है, मतलब एल इज इक्वल टू वन ली एम प्लस टू पॉसिबल नहीं है, ठीक है,
ਉਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ n is equal to 3 ਲਈ l is equal to 2, m is equal to minus 2 possible ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ possible ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ l is equal to 1 ਲਈ m is equal to plus 2 possible ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ c, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ c, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਮੈਕਸੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ n is equal to 1 ਹੈ, n is equal to 2 ਹੈ, n is equal to 3 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, n is equal to 4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, n is equal to 5 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਮਾਈਨਸ 13.6 ਇੰਟੂ ਜੈਡ ਸਕੇਅਰ ਓਵਰ ਐਨ ਸਕੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? 1 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਈਨਸ 13.6 ਓਵਰ ਐਨ ਸਕੇਅਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 1 ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ? ਮਾਈਨਸ 13.6, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਨ ਆਪਾਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਮਾਈਨਸ 3.5, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਾਈਨਸ 1.5। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ 3.4 ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਰੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 16 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ 0.85, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਕਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਕਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇਗਾ? ਉਰੇ ਬਣ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੋ। ਦੇਖੋ 10 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ 2 ਦਾ ਗੈਪ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੈਪ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੈਪ ਘੱਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ ਏ ਵਾਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 4 ਤੋਂ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 4 ਟੂ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 1। ਜੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ ਐਨਰਜੀ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ। ਦਾ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਮ ਐਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੂੰ, ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਰਬਿਟਲਸ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਐਮ ਐਸ ਸਪਿਨ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਇਜ਼ ਗਵਰਨਡ ਬਾਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਟੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਟੂ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ? ਮਾਈਨਸ 1 ਇਸ ਟੂ, ਸੋਰੀ ਪਲੱਸ 1 ਇਸ ਟੂ, ਮਾਈਨਸ 2 ਇਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 1। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? 6.8। ਤਾਂ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ 3.4। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਐਗਜੈਕਟਲੀ ਹਾਫ, ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਾਂ ਸੀ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੰਦਰ ਸਾਇਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ 12.08 ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 6.8 ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇ ਸੇਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਈ ਜੈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਕਸਾਈਟਡ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਐਨ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 2, ਆਫ ਲੀਥੀਅਮ, ਲੀਥੀਅਮ ਲਈ ਜੈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀਲੀਅਮ ਲੀਥੀਅਮ, ਮਤਲਬ ਜੈਡ ਇਜ ਇਕਲ ਟੂ 3। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਵਿਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? 2.18 ਇੰਟੂ 10⁸ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਟੂ ਜੈਡ ਓਵਰ ਐਨ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੈਡ ਓਵਰ ਐਨ ਤੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੈਡ ਓਵਰ ਐਨ ਕਿਸ ਲਈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ? ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਜੈਡ ਓਵਰ ਐਨ ਆਫ ਲੀਥੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਡ ਆਫ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈਡ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3, ਅਤੇ ਉਰੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਤੇ ਐਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2,
ठीक है, इसमें देख लो कितना बनेगा, 1/3 इंटू 2/3, ठीक है, मतलब 2/9, ठीक है, 2/9 क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा, दैट इज 2:9, ठीक है। तो क्या ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ए वाला क्वेश्चन, ठीक है, ए वाला क्वेश्चन सेम ही रिपीट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, ए वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें देखो कि मैं करेंगे, ठीक है, देखो अपन तुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पड़ेगा, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो हड्डे फिजिक्स लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक गलत ध्यान रखियो, ठीक है, जो तो अपने को एन इज इक्वल टू 1 होता है, तो उस लाइन की बोलते हैं अपन लाइमन, ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 लिखी बोल देंगे बाल्मर, ठीक है, एन इज इक्वल टू 3 लिखी बोल देंगे पास्टन, ठीक है, एन इज इक्वल टू 4 लिखी बोल देंगे ब्रैकेट, ठीक है, लाइमन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट, ठीक है, एन इज इक्वल टू 5 लिखी बोल देंगे पीफंड, एन इज इक्वल टू 6 लिखी बोल देंगे हम्फ्री, ठीक है, उस तो बस ऑन होंगी रहेंदियां नहीं है, ठीक है, छोड़ो बाकी नाम की याद रखने ने, ठीक है। हुण देखो ट्रांजिशन कितनी हो रही है लाइमन ते, ठीक है, लाइमन मतलब एन इज इक्वल टू 1 ते ट्रांजिशन होगी, ठीक है, ये तो सबनों पता चल गया। हुण की कहेगा मैक्सिमम वेवलेंथ की, ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ का की मतलब हो गया, ठीक है, ई इज इक्वल टू एच सी वाई लैमडा, ठीक है, जिन्नी ज्यादा लैमडा बढ़ेगा एनर्जी की होगी घट जाएगी, मतलब वो मिनिमम एनर्जी की पूछ रहेगा। हुण ट्रांजिशन तो एन इज इक्वल टू 4 टू एन इज इक्वल टू 1 भी हो सकती है, 3 तो भी हो सकती है, 5 तो भी हो सकता है, बट उन्हें क्वेश्चन से किया था मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी कदों होगी जो तो एन इज इक्वल टू 2 तो एन इज इक्वल टू 1 तक होगी ट्रांजिशन होगी, मतलब इस केस एन 1 कितना हो गया 1 तो एन 2 कितना हो गया 2, तो उन्हें रिडबर्ग इक्वेशन पढ़ी होनी, रिडबर्ग इक्वेशन अकॉर्डिंग 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर, आर के अंदर रिडबर्ग कॉन्सेंट इंटू जेड स्क्वायर, जेड के अंदर एटॉमिक नंबर ओवर 1 ओवर एन 1 माइनस 1 ओवर एन 2 द स्क्वायर, ठीक है, कि इसमें सॉल्व कर सकते हैं, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी हीलियम ली, नहीं सॉरी 2 हो जाएगी, ठीक है, 2 द स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, इसमें पूरा सॉल्व कर लियो तुम, ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा इसका, एक मिनट में चेक कर दो कितना ऑप्शन सी इसका, ठीक है, तुम पुट कर लियो इसका आंसर, मेरे को है नहीं का फिलहाल, ठीक है, बट तुम चेक कर लियो, चल आप सॉल्व भी कर लेने, ठीक है, 1 ओवर लैम्डा किस दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, 4R, ठीक है, इंटू 1 ओवर 1 माइनस 1 ओवर 4, ठीक है ना, तो और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके, जस्ट एक सेकेंड मैं चेक कर लेना सॉल्व करके, ठीक है, डेट इज 1 ओवर 3R आ जाएगी, ठीक है, 1 ओवर 3R आ जाएगी, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओवर 3R आ जाएगी, ठीक है, तो तुम्हें पता होना चाहिए मैक्सिमम वेवलेंथ का की मतलब पूछना जा रहे हो मिनिमम एनर्जी दी लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नोड्स, ठीक है, नोड्स की होंगेगा स्पेस के अंदर वो जगह जिथे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी जीरो होंगी है। देखो नोड्स का फॉर्मूला की होंगेगा, नोड्स दो तरह की होंगे नहीं है, टोटल नोड्स होंगे नहीं है, टोटल नोड्स कितने होंगे एन माइनस 1, ठीक है, एन की होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस चो रेडियल नोड्स कितने होंगे नहीं है, तो एक होंगे एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स, ठीक है, रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे एन माइनस एल माइनस 1, तो एंगुलर नोड्स कितने होंगे एल, तो इस केस ठीक टोटल नोड्स तो एन माइनस 1 से डिपेंड करते हैं, तो इन्हें टोटल नोड्स पूछेगा एन एस हरेक लिए 5 है, तो इस केस भी 4 नोड्स होंगे टोटल, इस भी 4 इस भी 4, ठीक है, टोटल नोड्स का, बट जो रेडियल नोड पहले केस कैलकुलेट करिए तो एस ऑर्बिटली एल की वैल्यू कितनी होंगी 0, पी ऑर्बिटली एल इज इक्वल टू 1, तो डी ली एल इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो यह फॉर्मूला यूज करके तुम रेडियल नोड्स भी कट सकते हो तो एंगुलर नोड्स भी कर सकते हो कट सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही गल है, ठीक है, सबनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं हैगी, ठीक है, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, एटम्स आर फिल्ड इन देयर इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, पहला देखो जिस तरह अपने को टू एस है यह 2P है, ठीक है, पहले आप 2S को पूरी तरह फिल करेंगे फिर 2P से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यही किसने बोलिया सीगा ऑफ बाउ ने बोलिया कि इनक्रीजिंग ऑर्डर से भरेंगे, बट थर्ड के अंदर देखो ठीक है 2S खाली छड रखेगा अगे भर रखे ने, मतलब ये वाली की है इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन कौन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आई होप तुहानू ये वाले सोल्यूशन क्लीयर हुए होंगे, बाकी जिन्हें स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते होंगे, ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है अपनी 17 जुलाई तो, ठीक है, वीडियो सोल्यूशन तुहानू प्रोवाइड किए जाएंगे, नाल वीडियो सोल्यूशन की करे जाएंगे प्रोवाइड करे जाएंगे जिस तरह ये वीडियो प्रोवाइड किया है, ठीक है, ये टेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन से मैंने कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं थोड़े नाल, उस तो अलावा इसकी फीस की हैगी, ठीक है, फीस जो तुम 16 जुलाई तक ज्वाइन कर लेने हो तो फीस हैगी 600 रुपीज़,
जे तुसी 16 जुलाई तो बाद यूज कर दोगे ज्वाइन तो तुहाडी फीस हैगी 700 रुपीस। ठीक है, बाकी मार्केट जिहड़े अदर इंस्टीट्यूट ने वह किस रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं 2500 या 3000। ठीक है, सेम कॉन्टेंट। ठीक है, कई इंस्टीट्यूट तो विदाउट सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो सोल्यूशन भी नहीं दे रहे। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइस तो लिमिटेड ऑफर हैगी। ठीक है, टोटल 30 सीट्स ने गियाँ, तुम ज्वाइन कर सकते हो इस टेस्ट सीरीज़ में, बहुत ज़्यादा बेनीफिट होएगी तुहाडे पेपर अंदर। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज़ अंदर कल टेस्ट नहीं है, प्लस तो वीडियो लैक्चर्स मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। ठीक, कि वीडियो लैक्चर्स मिलेंगे जिस तरह टॉपिक होगा स्पैक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पैक्ट्रोस्कोपी से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो 5 या 6 क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स को अपने क्लास अंदर ही करवा देंगे जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो 16 जुलाई तो पहले टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो। ठीक है, जिसने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर लो 8437068169। ठीक है, इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लो, तुहानू टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सैशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।